अगर आप इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ आर्मी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद से ही महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर अटकलें लग रही हैं। उनके संन्यास लेने की मांग भी उठ रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें खेलते रहना चाहिए। इसी बीच वेस्टइंडीज दौरे के लिए इंडियन टीम का ऐलान होने से पहले धोनी ने खुद को चैन से अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वे 2 महीने के लिए सेना के साथ रहेंगे। धोनी भारतीय सेना में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और पैराशूट रेजिडेंट की 106वीं बटालियन में तैनात हैं। जब उन्होंने सेना के साथ काम करने का ऐलान किया था तब सोशल मीडिया पर वे भी ट्रेंड करने लगे थे। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड लॉयड ने उनका मजाक बनाया। उन्होंने धोनी से जुड़ी खबर को रिट्वीट करते हुए धोनी का मजाक बनाया। स्काई स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर पेज पर धोनी के सेना के साथ काम करने की न्यूज को पोस्ट की थी। इस पर लॉयड ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने खबर को शेयर करते हुए जोर से हंसने की 2 इमोजी भी पोस्ट कर दी। हालांकि लॉयड अपने कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर घिर गए। कई भारतीय फैंस ने उन्हें निशाना बनाया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने उन्हें कायर कह दिया तो कईयों ने अपने करियर पर नजर डालने को कहा। वहीं रविवार को वेस्टइंडीज दौरे के लिए इंडियन टीम का ऐलान किया गया है। मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने इस दौरान धोनी के भविष्य से जुड़े सवाल पर कहा कि संन्यास लेना पूरी तरह से निजी फैसला है। धोनी जैसे महान क्रिकेटर जानते हैं कि कब संन्यास लिया जाए, भविष्य में क्या किया जाएगा, ये चयन समिति के हाथों में है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। MSK प्रसाद ने कहा, धोनी वेस्टइंडीज दौरे के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास अगले वर्ल्ड कप तक का रोड मैप है और वर्ल्ड कप तक ऋषभ पंत को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएंगे। हमने धोनी से बातचीत भी की है। तो आपका धोनी की सेना में शामिल होने पर आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलते हैं कैसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।